राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। कोरोना की स्थिति को देखते हुए कोरोना के कुछ पाबंदियों को छोड़कर सभी हटा ली गई है और बैठक में पर्यटक स्थल जिम सिनेमा घरों को फुल कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य को एक दो मामले को छोड़कर पूरी तरह से अनलॉक करने का निर्णय लिया है। अब रात 8 बजे के बाद कोरोना काल से पहले की तरह दुकानें खुल सकेंगी। बोकारो और देवघर समेत 7 जिलों में भी 7 मार्च से प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। यह जानकारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। पार्क और पर्यटन स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है। खेलकूद की गतिविधियां अब खोल दी जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व की तरह खुले रहेंगे। बड़ी प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए जिलों के उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। राज्य में मेला जुलूस और जश्न पर प्रतिबंध लगा रहेगा। शादी विवाह में अब 200 की जगह 500 लोग हिस्सा ले पाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, जिले में हम लोगों ने प्रथम कक्षा से 9 कक्षा तक प्रतिबंध लगाया था, वो सातों जिलों को हमने जो है प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेके सभी कक्षाओं की पढ़ाई होगी और 7 मार्च से ये स्कूल खोले जाएंगे। पार्क पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। तीसरा है कि जितने हमारे स्विमिंग पूल वगैरह है वो सारे खोल दिए जाएंगे और रात 8 बजे का जो बंद का प्रतिबंध था उसको मुक्त कर दिया गया है।